हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में कि फाइनल अकाउंट होता क्या है और इसके कितने पक्ष होते हैं और इसके सहारे क्या निकालते हैं। वो आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे। तो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमने अभी हाल ही में कल के क्लासेस में जो पढ़ा हमने, क्या ट्रायल बैलेंस बोलो, तो जो ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है, तो इसमें जो भी वहां पे देखते हैं आप लोग, हमने जो बनाया है आप ट्रायल बैलेंस में कि नेम, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, नेम डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट बनाया कि नहीं बनाया है। अब इसी ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या करते हैं, ये कब बनता है बाबू? 31 मार्च, मतलब हमेशा ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। अब इसी ट्रायल बैलेंस से हमको बनाना होता फाइनल अकाउंट। क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट। अब देखो नाम से पता चल रहा है ना, फाइनल अकाउंट, ठीक है, जितने कहते हैं हमारा हिसाब किताब फाइनल हो गया, ठीक है। फाइनल शब्द का मतलब क्या है कि व्यापार में जो हम लोग 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक जितना हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है, जो भी लेन देन हमने किया है उसका हमको फाइनल स्टेटमेंट पता करना है। रियल में इतने दिन से मैं व्यापार चला रहा हूँ तो मेरे व्यापार का स्थिति क्या है, कि मेरा व्यापार रियल में लॉस में गया है या प्रॉफिट में गया है, और जब प्रॉफिट में गया है तो कितने का गया है, और लॉस में गया है तो कितने का गया है, और प्लस सब लेने देने के बाद से इस साल के लास्ट में मेरे पास संपत्ति कितना पड़ा हुआ है, मतलब एसेट लाइबिलिटी कितना पड़ा हुआ है। अच्छा, जब एसेट पता चल जाएगा और लाइबिलिटी पता चल जाएगा तो कैपिटल भी पता चल जाएगा कि अगले साल का हमारा फिर से पूंजी क्या होगा, मतलब यह ज्ञात हम लोग फाइनल अकाउंट ही तैयार कर पाए, इसलिए नाम ही रख दिया गया फाइनल अकाउंट। मतलब अभी तक तो जो भी हमने क्वेश्चन किया है तो वो तो एक्यूरेसी हमने किसे चेक कर लिया, ट्रायल बैलेंस। अब इसी ट्रायल बैलेंस का सहारा लेके हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम होंगे जो एक्सपेंस होंगे इसी साल इनको क्लोज कर दो, और जो हमारे एसेट्स होंगे कैपिटल होंगे लाइबिलिटीज होंगे फिर से वो अगले साल फॉरवर्ड करें। तो जो 5 महीने वर्ड बताया था आपको, इनकम एक्सपेंस कैपिटल लाइबिलिटी और एसेट, ये अकाउंटिंग में जो समझ लिया वो आगे चल के अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जो दो होता है इनकम और एक्सपेंस उसी साल देख के उसी साल क्लोज कर दिया जाता है, अगले साल उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाता है। लेकिन जो एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है और कैपिटल होता है, हर साल फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये पांचों चीज इसमें आएंगी, इन पांचों के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं। कुछ हमारा फाइनल के ट्रेडिंग में आ जाएगा, कुछ पीएल में आ जाएगा, कुछ बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर कोई कहता सर फाइनल अकाउंट होता क्या, तो बता सकते हो कि फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सहारे हम लोग अपने व्यापार का, ठीक है, स्थिति का ज्ञान करते हैं कि मेरे व्यापार का स्थिति क्या है, हेल्दी है या अनहेल्दी है, या कितना हमारे व्यापार में प्रॉफिट हुआ है या कितना हमारे व्यापार में लॉस हुआ है, इस बात का जो ज्ञान होता है, जो जानकारी मिलती है वो किसके सहारे मिलता है, फाइनल अकाउंट के सहारे मिलता है। लेकिन तुरंत नहीं मिल पाएगा, इसके भी अलग अलग पक्ष होते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रिजल्ट निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा रियल में कितना प्रॉफिट कितना लॉस कितना एसेट कितना संपत्ति कितना कैपिटल, वो सब फाइनल अकाउंट ही निकालते हैं। तो देखो यही इसके बारे में लिखा गया है। और ये कब बनाया जाता है अभी, तो जाहिर सी बात है ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है 31 मार्च को, तो ये भी कब बनाया जाता होगा, 31 मार्च को, मतलब ये भी फाइनेंशियल ईयर के कब बनाया जाता है, लास्ट बनाया जाता है। तो देखिए यही लिखा गया और इसके बारे में बताया जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। देखो बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के कब बनाए जाते हैं, लास्ट में बनाया जाता है, जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, मतलब उस व्यापार का, ठीक है, क्या फाइनल रिजल्ट है उसको किस में दर्शाता है, फाइनेंशियल टर्म्स में दर्शाता है, और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं, मतलब रियल में अगर किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट आपको पता करने हैं तो सबसे पहले इन दो पक्षों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस। मतलब इस फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए हमको सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद से पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद से बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। हाँ एक बात और, जब तक ट्रेडिंग नहीं बनेगा तब तक पीएल नहीं बनेगा, और जब तक पीएल नहीं बनेगा तब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगा। मतलब एक एक करके हमको स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है और रिजल्ट निकालना होता है। तो यही आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, इसमें क्या क्या दिखाया जाता है, और इसके लिए रूल क्या है। तो चलो इसके लिए रूल पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं जिससे आपको बेटर तरीके समझ में आए। तो देखिए बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल्स से संबंधित होता है। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट जो हम बनाएंगे ना उसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, मुख्य रूप से कितने का गुड्स हमने परचेज किया और कितने का सेल किया है वही होता है, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब इसमें ध्यान देना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मुद्दा क्या है, गोल क्या हम लोग का, कि ये पता चले कि हमारे व्यापार में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ। अब सवाल यह कि सर ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है। मतलब एग्जैक्ट हमको नहीं पता चलता है कि मेरा व्यापार कितने का प्रॉफिट में है, फिर भी हमारा ये इंडिकेट करके ट्रेडिंग अकाउंट बता देता है कि आपका व्यापार क्या होने वाला है, प्रॉफिट में जाने वाला है, कि आपका व्यापार क्या होने वाला है, लॉस में जाने वाला है। मतलब जाहिर सी बात है, आप सुने होंगे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी, सुने हो कभी, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं तो वहां पे मेरा बेसिक सैलरी है 25,000, उसके बाद उस कंपनी में कुछ सर्विस भी मिल रहा है हमको, ठीक है, एचआर है, डीए टीए, तो वो सब क्या करते हैं, जोड़ के हो गया हमारा 30,000, ठीक है, ओवर टाइम कर दिया, जोड़ के हो गया 32,000 रुपया। तो यह हो गया ग्रॉस सैलरी, मतलब पूरा जोड़ने बाद क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी। लेकिन कंपनी का कुछ और क्या रूल है कि कुछ पैसा मैं काटूंगा भी, जैसे पीएफ ईएसआई, तो कुछ कंपनी पैसा काट भी लेता है। तो 32 मेरा ग्रॉस सैलरी आया था और 5,000 उसका पीएफ और ईएसआई जोड़ के 5,000 हो गया था। अब माइनस करने में जो बचेगा ना वो हमारा नेट सैलरी होगा। तो ऐसे भी होता है कि आप व्यापार किए हो तो यह तो इंडिकेट करके आपको बता देता है कि आपका व्यापार ग्रॉस प्रॉफिट में जाने वाला है या लॉस में होने वाला है। नेट कितना प्रॉफिट है यह हम नहीं पता कर पाएंगे, किससे, ट्रेडिंग से यह नहीं पता कर पाएंगे, देखिए कि ग्रॉस लॉस हुआ है ट्रेडिंग से, हाँ मतलब नेट लॉस कितना हुआ ट्रेडिंग से, यह पता किससे होगा। तो यही बैलेंस हमको लेके जाना पड़ेगा, किसमें, पीएल अकाउंट में। जब पीएल अकाउंट में लेके जाएंगे तो पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और नेट लॉस कितना हुआ है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, कुछ इनकम ऐसे होते हैं जो पीएल अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाए जाते, इसीलिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, और इसीलिए ट्रेडिंग के बाद से हमको पीएल बनाना पड़ता है और पीएल के बाद से हमको निकालना होता है बैलेंस शीट। तो चलिए अब कैसे निकलता है, अब देखो आगे देखो, फिर से यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को शामिल नहीं किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है, आपको सर यह क्या होता है, तो आगे जब मैं पीएल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, पर इतना समझिएगा इसमें से यह तीनों एक्सपेंसेस होंगे तो आपको इसमें शामिल नहीं करना है। आपको सर कैसे हम समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सेलिंग्स क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब मैंने बताया था शुरुआत में, गुड्स को बनाते वक्त मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, वो सभी जो खर्चे होते हैं कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, बताया था ना, जैसे वेजेज, फ्रेट, पैकिंग चार्ज, लेबर चार्ज, ये बताया था, ठीक है। तो उनके अलावा मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त और जब तक फैक्ट्री में वो सामान रहता है, बनाते समय जितने खर्चे लगते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलिंग्स है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, सब कौन से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यूं कह लो कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अलावा जितने एक्सपेंसेस आएंगे उसको छोड़ दें, इसमें ला के रखेंगे पीएल अकाउंट में रखेंगे, इसमें रखेंगे पीएल अकाउंट। मतलब अगर क्वेश्चन दिया है और वहां पे दे दिया रेंज उसको नहीं रखना, और वहां पे दे दिया वेजे तो ट्रेडिंग में रख देना है। मतलब बस पहचानना है कि इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट है तो हमको ट्रेडिंग में रखना नहीं है,
अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो किसमें रखना है? ट्रेडिंग में रखना है। तो मेरी बात है आपको ना, आप कैसे पहचानोगे? तो मैंने पहचानने का तरीका भी बताया था और एग्जाम्पल के तौर पर समझाया भी था, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे फिर से आएगा टॉपिक तो पढ़ाएंगे आपको बताएंगे। अब देखिए बनाने का रूल क्या है इसका, फिर से बताया जा रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब इसमें क्या क्या आता है इसको रटना पड़ेगा आपको, जब तक ये रटोगे नहीं, याद नहीं होगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब बहुत ईजी है, सभी लोग कर ले जाओगे इसे। ठीक है, तो चलो कैसे बनेगा, तो जब भी बनाएंगे लिखेंगे मेन हेडर, क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग। तो बताओ क्या लिखा है, 31 मार्च। क्लियर है? अब बनाते समय क्या करना है, चार कॉलम बनाना है, एक पार्टिकुलर, दूसरा अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर अमाउंट। अब क्वेश्चन मान लो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर ओपनिंग स्टॉक दिया है तो इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और जितना पैसा लिख देंगे फिर से क्वेश्चन में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस में, अगर वहां पे है परचेज तो लिखेंगे टू परचेज, किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और उसका पैसा यहाँ पे लिख देंगे। फिर से यहाँ से ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर लिखा है परचे रिटर्न तो लिखेंगे टू लेस रिटर्न, कितना जितना पैसा वो लिख देंगे, और जितना परचेज किया है और जितना रिटर्न हुआ माइनस करके जितना बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। फिर से ऊपर से क्वेश्चन पढ़ेंगे और जितने हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे छांट लेंगे उसमें से और लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेज, कैरेज, चार्जेज, फ्रेट, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब जितने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं क्या होते हैं हमारे, डायरेक्ट होते हैं, तो सबको मेंशन करके जितना पैसा होगा लिख देंगे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और इधर लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस। अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर सेल है तो लिखेंगे बाई सेल, पैसा जितना होगा लिख देंगे, अगर सेल रिटर्न हुआ है तो लिखेंगे लेस रिटर्न, जितना पैसा होगा लिख देंगे, और दोनों को माइनस करेंगे जितना बचेगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद से क्लोजिंग स्टॉक जितना होगा लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद पैसा लिख देंगे और दोनों के पैसे को जोड़ेंगे, दोनों साइड के पैसे को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, मान लो इधर जोड़ा था हो गया 2 लाख रुपए, कितना हुआ 2 लाख, इधर जोड़ा था मैंने जोड़ा तो देखा 1 लाख रुपया हुआ, तो आप बताओ पैसा किधर ज्यादा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। तो आप बताओ यह जो साइड है कौन सा है, खर्चा वाला है, एक्सपेंस वाला है, यह कौन सा है, इनकम वाला है। तो आप बताओ खर्चा कितना किया, 2 लाख, और यहाँ पे कमाया कितना, 1 लाख, तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा तो उसी पैसे को लिख देंगे 1 लाख रुपए का ग्रॉस लॉस, समझे? चलो अगर इधर 3 लाख रुपया आया और इधर 2 आया, तो आप बताओ इनकम कितना किया, 3, और खर्चा कितना किया, 2, तो आप बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट होगा लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं होगा, इसे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कितना, 1 लाख रुपया, 3 लाख यहाँ पे हो जाएगा, 3 लाख यहाँ पे हो जाएगा, समझ आ बात है आपको, ऐसे ही बनाते हैं। चलो अब एग्जाम्पल के साथ और बताते हैं जिससे और भी आपको क्लियर हो जाए। चलो एक तो मैंने नॉर्मल बताया ना, अब थोड़ा सा मैं अमाउंट दे के बता रहा हूँ, जिसे इसके बाद से क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग कर लो और आसानी तरीके से बना सको। चलो देखो क्वेश्चन, सपोज मान लो मेरे पास दिया है एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस ही बनता है, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है और इसमें दिया है क्या, पर्चेज दिया है, शॉर्ट में लिख रहे हैं, वह दिया है परचेज कितने का, 20 रुपए का, पर्चेज रिटर्न दिया है पी आर कर दिया, वह दिया कितने का, 5 रुपए का, ओपनिंग स्टॉक दिया है वह कितने का दिया है, 10 रुपए का दिया है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है वह दिया कितने का, ये 5 रुपए का दिया है, सेल दिया है कितने का दिया है, वह सेल दिया, वह दिया है हमारा 30 रुपए का, सेल रिटर्न दिया है वह कितने का दिया है, तो 5 रुपए का, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, और लास्ट में दिया है क्या, वेजेज, वेजेज मतलब भाड़ा कितने का है, 5 रुपए का, और एक और दिया है क्या, यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब मेंशन करने बाद हमको निकालना है, तो आप बताओ यहाँ पे पढ़ लिया क्वेश्चन परचेज कितने रुपए का है, 20 रुपए का, तो लिखेंगे यहाँ पे टू परचेज 20 रुपया, अगला क्या है, परचेज रिटर्न कितने का है, 5 का, तो लिखेंगे लेस रिटर्न 5 रुपया, अब माइनस करोगे कितना बचेगा, 15 लिख देंगे। चलो उसके बाद से क्या है, ओ यस ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 10 रुपए का है, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितने का,
10 रुपये। फिर से क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 5 का। फिर आप लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का? 5 रुपए का। चलो उसके बाद से क्या है? सेल है। कितने का सेल किया? 30 रुपए का। तो लिखेंगे सेल 30 रुपया। ठीक है, सेल रिटर्न कितने का हुआ? 5 रुपए का। तो इधर कितना लिखेंगे? चलिए 5 लिखेंगे। तो माइनस करेंगे कितना बचेगा? 25। बोलो यही तो है, आपको छूटा है क्या? वेज। वेजेस कितने का है? 2। डायरेक्ट इसमें से लिख देंगे वेजेस 5 रुपया। अब चलो जोड़ो, 10 15 15 क्या हो गया? 30 इधर हुआ। अब इधर देखो जोड़ा कितना हुआ? 25। और इधर कितना हुआ? 5। दोनों बराबर आ रहा है, ऐसा बराबर आया। अगर मेरे अमाउंट ऐसा दिया कि बराबर ही आ गया, ठीक है। तो मान लो हमने क्या किया, मेरे पास जो सेल किया कितने का किया है? 40 का किया है, समझे ना, क्योंकि बराबर आएगा नहीं। 40 का किया है तो कितना बचेगा यहाँ पे? 35। बोलो, अरे 40 किया है, 5 माइनस कितना बचा? 35। अब 35 5 40, तो बताओ इनकम साइड कितना आया? 40। और एक्सपेंस साइड कितना आया? तो आप बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? कितना? तो 10 30 कितना हो जाएगा? 40। बस यही तो है, निकालना है ऐसे। तो चलो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन दिया, लगा के दिखा दो तो। हाँ, क्या लिखा है देखो, ये तुम्हारे सामने है, बनाओ। हाँ ये है क्वेश्चन।